गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम मैथमेटिक्स के प्रथम क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के विषय में परिचय प्राप्त करें। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन। दूसरा है गौण, गौण का अर्थ होता है भुजा। और तीसरा है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। अर्थात ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वह भाग है जिसमें हम त्रिभुज के तीन भुजाओं के अनुपात संबंधी अध्ययन को करते हैं, यानी कि तीन भुजाओं के माप संबंधी अध्ययन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जिसमें कोण बी 90 डिग्री है। यदि कोई एंगल थीटा हमें ज्ञात हो तो थीटा के ठीक सामने की भुजा पी अर्थात लंब या परपेंडिकुलर कहलाती है, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण एच कहलाती है, कर्ण एच कहलाती है। और थीटा को टच करने वाली छोटी भुजा आधार बी कहलाती है। आइए अब हम अलग अलग रूप में अगर इसी फिगर को दिया जाए तो हम कैसे पी बी और एच की पहचान करेंगे इसे जाने। यदि हमें एक साथ कई फिगर दिए गए हो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया ए बी सी और यहाँ 90 डिग्री है ए के पास, और थीटा अगर हमें यहाँ दे दिया गया सी के पास, तो हमें ये बताना है कि इसमें पी कौन है, बी कौन है और एच कौन है। देखिए हम लोगों ने स्टडी किया था कि थीटा के ठीक सामने की भुजा पी कहलाएगी, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा एच कहलाएगी, और इस थीटा को टच करने वाली छोटी भुजा, यानी देखिए एक ये है छोटी भुजा और एक कर्ण है, तो कर्ण तो 90 के सामने है तो ये हो गया, लेकिन जो बच गई भुजा, जो छोटी भुजा बची, उसे हम लोग आधार बी के नाम से जानेंगे। यदि यही फिगर हमें इस रूप में दिया जाए और थीटा यहां दिया जाए, तब हम लोग कैसे इसको निकालेंगे। देखिए थीटा के ठीक सामने की भुजा पी, थीटा को टच करने वाली छोटी भुजा बी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण एच हुई। अगर फिगर को कुछ घुमा के इस रूप में दे दिया जाए, जैसे एम एन और ओ और थीटा यहाँ हो, तब क्या होगा, ये हो जाएगा पी, थीटा के ठीक सामने की भुजा, 90 के ठीक सामने की भुजा कर्ण एच, और थीटा को टच करने वाली छोटी भुजा आधार बी कहलाएगी। अब एक मैं फिगर दे रहा हूँ, आप लोग खुद उसमें पहचान करें कि पी कौन होगा, बी कौन होगा और एच कौन होगा। यहाँ पे एम एन और ओ दे दीजिए। चलिए थीटा हमने यहाँ आपको दिया, आप बताएं कि इसमें पी किसको कहेंगे, बी किसको कहेंगे और एच किसको कहेंगे। चलिए बताइए, ठीक आपने सही पहचाना,
थीटा के सामने की भुजा ये पी कहलाएगी, 90 के सामने की भुजा ये एच कहलाएगी और थीटा को टच करने वाली छोटी भुजा बी कहलाएगी। वेरी गुड। आइए अब हम लोग इन भुजाओं के आपसी संबंध को ट्रिगोनोमेट्री के विभिन्न रेशियोज के रूप में यानी अनुपात के रूप में जाने। हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसमें यहाँ थीटा दिया गया है, तो जैसे कि हम जानते हैं थीटा के ठीक सामने की भुजा पी, थीटा को टच करने वाली छोटी भुजा बी और 90 डिग्री के सामने की भुजा एच कहलाएगी। अब साइन थीटा इज इक्वल टू होगा पी बाई एच, और फिर अगला होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बी बाई एच, और फिर होगा टेन थीटा होगा पी बाई बी टेन थीटा होगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच और टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अब हम लोग साइन के इनवर्स के रूप में कॉशेक थीटा, कॉस के इनवर्स के रूप में शेक थीटा और टेन के इनवर्स के रूप में कॉट थीटा को जानेंगे। आइए इसे हम लोग जाने। चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़े थे आप लोग, पी बाई एच, फिर आप लोग पढ़े थे कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच और टेन थीटा इज इक्वल टू पढ़े थे पी बाई बी। अब साइन थीटा के ठीक विपरीत होता है कोशेक थीटा, कोशेक थीटा तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी। कॉस थीटा के ठीक उल्टा होगा एच अपॉन डी यानी कि सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, और टेन थीटा के ठीक उल्टे होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी के उल्टे बताइए बी बाई पी। इस तरीके से साइन का इनवर्स कॉस थीटा, कॉस का इनवर्स सेक थीटा और टेन का इनवर्स कॉट थीटा होगा। साइन कॉस और टेन मुख्य रूप से हम इस तीन मान को हरदम याद रखेंगे और बाकी कॉसेक सेक और कॉट इसके उल्टे आसानी से किया जा सकता है। तो इसको याद करने के लिए अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलाज का यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के ट्रिक्स का यूज करते हैं, फॉर्मूला नहीं अलग अलग प्रकार के ट्रिक्स का यूज करते हैं। तो आइए उसमें से कुछ ट्रिक्स को हम लोग भी जाने। जैसे पंडित बदरी प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, पंडित बदरी प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। कुछ बच्चे इसे इस रूप में याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आप सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूंगा कि आप इस रूप में याद न करके हर दम ये कोशिश करें कि हम ट्रायंगल का फिगर अपने माइंड में रखें, राइट एंगल ट्रायंगल का, और तब उनके भुजाओं को के अनुपात को माइंड में घुमा घुमा कर हरदम याद करने की कोशिश करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा इस तरीके से याद करने की अपेक्षा। तो आइए हम तीन चार बार आपका प्रैक्टिस इस पे हम करा दें ताकि आपको साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा याद हो जाए। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। आप ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच और टेन थीटा पी अपॉन बी। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित कुछ सूत्रों को जानेंगे, कुछ सूत्र को जानेंगे, कुछ फॉर्मूला को जानने का प्रयास करेंगे। साइन थीटा, और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इसके ठीक इनवर्स वाले से, यानी कि कोसेक थीटा से, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, हमें प्राप्त होगा वन। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, और तीसरा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। तो इस आप ध्यान से पहले लिख लें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। अब एक एक करके हम इन तीनों के विषय में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला जो था हमारा वो था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। यदि हमें साइन थीटा निकालना होगा तो क्या करना होगा, हमें लिखना होगा साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा, यानी कि साइन के ठीक उल्टा वाला भाग को हम लोग लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक इसी प्रकार यदि हमें कॉसेक थीटा निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। पुनः कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, यदि हमें कॉस थीटा निकालना होगा तो हम लिखेंगे इसे वन अपॉन सेक थीटा, और यदि हमें सेक थीटा निकालना होगा तो इसे हम लोग लिखेंगे वन अपॉन कॉस थीटा। फिर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, यदि हमें टैन थीटा ज्ञात करना होगा तो इसे हम लोग लिखेंगे वन अपॉन कॉट थीटा, और यदि कॉट थीटा ज्ञात करना होगा तो इसे हम लोग लिखेंगे वन अपॉन टैन थीटा। अब आइए हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, जरा इसे बनाइए। प्रश्न एक आपको बनाना है, सिद्ध करें कि यानी कि प्रूव दैट
साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा इज इक्वल टू वन। ये हमें प्रूफ करना है, साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा इज इक्वल टू वन। आइए इसे प्रूफ करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ तब हमें प्राप्त हुआ वन इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। ठीक इसी प्रकार हम आपको प्रश्न संख्या दो देंगे जिसमें आपको प्रूफ करना होगा कॉस थीटा इंटू शेक थीटा इज इक्वल टू वन। चलिए प्रश्न संख्या दो लिखिए, सिद्ध करें कि कॉस थीटा इंटू शेक थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ एल एच एस इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू शेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सेक को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये प्राप्त हुआ हमें वन इज इक्वल टू आर एच एस। पुनः प्रश्न तीन के रूप में हम आपके सामने लिखेंगे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। इसे भी प्रूफ करके आपको दिखाना है, तो लिखिए एल एच एस इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू कॉट को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हमें प्राप्त हुआ वन इज इक्वल टू आर एच एस। एक चौथा फॉर्मूला आपके सामने होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इसे प्रूफ करके आपको दिखाना है। आइए कैसे दिखाइएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन की जगह पे हम लोग लिख दें पी अपॉन एच और कॉस की जगह पे लिख दें बी अपॉन एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी अपॉन एच इन टू एच अपॉन बी, एच एच कैंसिल हो गया तो हमें प्राप्त हुआ पी बाई बी जो कि किसके बराबर हुआ टैन थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा आर एच एस। हमारा पांचवा फॉर्मूला होगा जिसे हमें सिद्ध करना होगा, वह होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आइए इसे हम लोग प्रूफ करके देखते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस की जगह पर हम लोग लिख देंगे बी बाई एच और साइन थीटा की जगह पर लिख दिए पी बाई एच। अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे बी अपॉन एच इन टू एच अपॉन पी, एच एच कैंसिल तो हमें प्राप्त हुआ बी अपॉन पी इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू
RHS proved. अब हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स संबंधित नियम को जानेंगे। जैसे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, थीटा यहाँ दिया हुआ है और 90 डिग्री का एंगल बी के पास बन रहा है। थीटा के ठीक सामने की भुजा पी, 90 के ठीक सामने की भुजा एच और थीटा को टच करने वाली छोटी भुजा ये बी हुई। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यदि हमें पी को ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी ज्ञात करना है तो इसे हम लोग लिखेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यदि हमें एच ज्ञात करना है तो इसको लिखेंगे एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसे आप लोग लिख लें और ध्यानपूर्वक इसे याद भी कर लें। आइए हम कुछ अन्य दूसरे फॉर्मूला को भी प्रूफ करते हैं। हमें अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम लोगों ने जाना कि किसी समकोण त्रिभुज में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यदि हम लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ यदि पी से भाग लगा दें, पी से भाग लगाने के बाद हमें निम्न रूप प्राप्त होगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ वन हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस बी अपॉन पी कितना होता है कॉट थीटा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एच अपॉन पी कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें यदि कॉट थीटा ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, यदि ज्ञात करना हो तो हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और फिर यदि हमें इस कॉट स्क्वायर थीटा को हमने अगर उधर ले के रख दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। पुनः हम लोग उसी फॉर्मूला को लिखेंगे अर्थात पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, लेकिन इस बार हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग लगाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होकर वन हुआ, तो इट्स इम्प्लाइज पी बाई बी को हम लोग क्या लिखेंगे टेन टेन थीटा, तो यहाँ पे हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू एच अपॉन बी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू
sec square theta. अब हम अगर लिखें कि sec square theta माइनस tan square theta, तो हमें प्राप्त होगा 1, और यदि हमें tan square theta ज्ञात करना हो तो हम इसे लिखेंगे tan square theta is equal to sec square theta minus 1. तो इस इन तीनों फॉर्मूला को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लोगे. पीछे वाला जो तीन फॉर्मूला था उसे भी याद कर लोगे. फिर एक अगला फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा सब जगह एच स्क्वायर से भाग लगाने पर बनेगा. तो आइए उसे भी देख लेते हैं. हमें ज्ञात है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. यहाँ एच से एच कैंसिल हो गए, 1 प्राप्त हुआ. यहाँ पे हम लिखेंगे पी बाई एच यानी साइन स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बाई एच यहाँ पे हो जाएगा कॉश स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉश स्क्वायर थीटा, और पुनः कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इस प्रकार हम आज बेसिक रूप से ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज को हमने सिद्ध किया. ये सीखा कि किस तरीके से पी बी और एच को ज्ञात किया जाए.